तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा दिव्या कंपनी की इंडक्शन कुकटॉप है। तो देखिए इसमें देखिए हमारा कौन सी एरर आ रहा है। तो देखिए मैं इंडक्शन कुकटॉप को यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी साउंड नहीं, बीप की साउंड नहीं आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर हमारा फ़ैन रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर फ़ैन हमारा डायरेक्टली रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं भी प्रकार के जो डिस्प्ले की इंडिकेट, वो हमारा डिस्प्ले इंडिकेट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर हमारा जो कूलिंग फ़ैन है वो हमारा घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई देने के बाद यहाँ पर हमारा कूलिंग फ़ैन जो है वो हमारा रन हो रहा है। तो किस प्रॉब्लम से ये एरर आ रहा है, तो आप लोगों को मैं इस चीज़ को यहाँ पर कन्फर्म करा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा इसमें देखिए कितने पिन की हमारा आईसी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा देखिए दोनों साइड से हमारा 28 पिन की जो हमारा आईसी है, ये जो आईसी है वो हमारा 28 पिन की आईसी है। और यहाँ पर देखिए इस आईसी से यहाँ पर जो कनेक्शन निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर इस आईसी के यहाँ पर देखिए ये जो धूप हमारा जो कैपेसिटर की जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, ये जो आईसी की, तो ये जो धूप पिन है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो इसका मतलब यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो हमारा शॉर्ट हो गया है। तो इसके कारण से यहाँ पर जो हमारा इंडक्शन से हमारा डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है और बजर की साउंड भी नहीं आ रहा है। तो यह जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो हमारा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई ये हमारा न्यू नहीं मिलता है, आपका जो दूसरे पीसीबी से आप निकाल के लगा सकते हैं। तो आपको रिपेयर करने के लिए दूसरे पीसीबी से इसको निकाल के इसको लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपका जो डिस्प्ले की एरर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पहले यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो हमारा 28 पिन की जो आईसी है वो आप चेक करिए पहले।